अस्सलाम वालेकुम। फूड ऑफ लाइफ में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह के करम से आपके दुआ से खैरियत से हैं। फूड ऑफ लाइफ में आज मैं बना रही हूँ मार्बल केक और ये कॉफ़ी के साथ होगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो एग लेंगे और 1/4 जो है उसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और हाफ कप के हिसाब से चीनी मिला। अब इसमें हम हाफ कप के हिसाब से चीनी ऐड करेंगे और 1/4 के हिसाब से हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे। ये 1/4 के हिसाब से इसमें कुकिंग ऑयल। अब तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे। हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। अब हमें इसे थोड़ा सा बीट करके और फिर मैं आपको देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर लिया था। अब हम इसमें मिलाएंगे ये सबसे पहले मैंने 2 एग लिए थे, उसके बाद उसमें 1/2 कप के हिसाब से चीनी ऐड की और 1/4 के हिसाब से कुकिंग ऑयल डाला। अब ये 1 कप के हिसाब से ये मैदा है और मैदा मैंने अच्छी तरीके से छान लिया था, आप भी छान के यूज़ कीजिएगा। और ये 1 टीस्पून के हिसाब से बेकिंग पाउडर है और इसी स्पून से 1/2 टीस्पून के हिसाब से बेकिंग सोडा। और इसी स्पून से 1 टीस्पून के हिसाब से हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। अब इन सब को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं जो रूम टेम्परेचर पे 1/4 के करीब मिल्क ऐड करूँगी। मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिल्क ऐड करूँगी। बैटर इस तरीके से हो गया है। अब इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से इस बैटर को मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया है। अब इसके लिए इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब कॉफ़ी है और इसी हिसाब से मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी इस तरीके से, देखें। और इसको इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और ये जो बैटर है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये मेरे पास एक बर्फ़ जमाने का था मेरा पॉट, इसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रीसिंग कर दिया है और बटर पेपर लगा दिया है। इसमें हम ये डालेंगे पी और इसका मिक्सचर है, मैं इस वाले में डाल के और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। अब हम इसको इस तरह रखेंगे और हम 1 स्पून इसका ऐड करेंगे और हम 1 इसका ऐड करेंगे। इस तरीके से हम करते जाएंगे, इस तरीके से हम सारा करते जाएंगे। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से सारा करते रहेंगे कर लेंगे। अब हल्का सा हम इसको टैप करेंगे और इसे मैंने प्री हीट पे अपना पतीला पहले ही रख दिया है 5 मिनट तेज आंच पे। अब मैं इसे रख के बताती हूँ आपको। इसको रख दिया है, अब मैं इसकी
ज़ीरो जो फ्लेम है इसको लो कर दूंगी, और तकरीबन 40 to 45 मिनट्स बाद फिर मैं आपको बता। 5 मिनट्स हो चुके हैं और ये बिल्कुल देखें, स्टिक भी डाली, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अभी थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।